प्यारे बच्चों, आलेखन में आज मैं आप लोगों को अलग से एक कमल का फूल बना करके दिखाऊंगा। और कमल के फूल में जब आप बनाएं तो उसमें देखें एक एक पंखुड़ी किस तरह से बन रही है, और दोनों तरफ बराबर बराबर बनाएं, जो एक बीच का बनाते हैं, बीच का बनाने के बाद उसके बाद दोनों तरफ इधर भी आप पंखुड़ी कैसे बनाते हैं देखिए। बोर्ड पर बनाने जा रहा हूँ, आप गौर से देखिए। ये यहाँ से शुरू करिए और एकदम दोनों तरफ बराबर आपका बना होना चाहिए। ये आप बना करके ठीक किए। इतना बनाने के बाद नुकीला सा थोड़ा रहेगा ऐसा। फिर आप यहाँ से देखिए, इधर भी एक निशान लगा लीजिए, एक इधर भी निशान लगा, बराबर दूरी होनी चाहिए। यहाँ से एक पंखुड़ी आप बनाएंगे इस तरह। और नीचे आप ले आइए, यहाँ मिलाइए। दूसरी पंखुड़ी आप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू करके आप ले जाएंगे, फिर यहीं से घुमाएंगे, घुमा करके आप ले आइए यहाँ। फिर एक पंखुड़ी हम बनाते हैं, अभी एक तरफ का बना रहे हैं, फिर आप बनाते हैं एक पंखुड़ी यहाँ। अब ऐसे ही इस तरफ, और जैसे जैसे इधर बना हुआ है इसी तरह वैसे ही इधर भी आप बनाएंगे। और इसकी दूरी जैसे यहाँ है तो इसकी दूरी यहाँ पर इतनी, यानी इसको यहाँ से आप एक पंखुड़ी बनाने के लिए इधर आप ले जाएं, फिर वैसे ही जैसे उधर किए हैं ले आइए, यहाँ लगाइए। ये ले चलिए, यहाँ से ले चल करके ये बनाया। दूसरी पंखुड़ी यहाँ से निकली हुई है तो यहाँ से आप भी निकालिए, इधर भी निकालिए, और ये आपने बनाया, ज़्यादा बाहर निकल गया। और ले जा करके इसको भी यहीं नीचे हम मिलाएंगे। तीसरी पंखुड़ी यहाँ है तो उसी के बराबर लगभग यहाँ से एक पंखुड़ी आप ऐसे निकालिए, और यह भी ले जा करके वैसे ही आप मिलाएंगे। अब आप ऊपर आइए, यहाँ से एक लाइन बराबर बराबर दोनों तरफ बराबर होगा तब बढ़िया लगेगा देखने में। यहाँ करके पीछे का हिस्सा आप तीन भाग, तीन पंखुड़ी आप दिखा दीजिए पीछे के हिस्से में। ये बन गया, थोड़ा सा इसको हम और ऊपर उठा लेते हैं। ये पीछे का हिस्सा बन गया। अब नीचे आइए, नीचे बनाने में आप इधर एक, सभी बच्चे यहाँ से ये अभ्यास करें, यहाँ बनाइए एक पंखुड़ी, यहाँ बनाइए, फिर उसी तरह से जैसे यहाँ निकाले हैं उसी तरह से यहाँ एक पंखुड़ी आप यहाँ निकालें, निकाल करके ले जाएं, और एक पंखुड़ी यहाँ निकाल करके बीच में ही छोड़ दें। बीच में क्यों छोड़ा जा रहा है उसका भी कोई मतलब है। ये थोड़ा दोनों तरफ बराबर बराबर रहेगा तो देखने में डिजाइन या कमल का फूल अच्छा लगेगा, एक तरह का होगा। यहाँ से फिर एक ऐसा बना लीजिए एक तरफ, फिर इधर भी बना लीजिए, या वहीं ले जाते हैं, यहीं से निकालते हैं, यहाँ से ही इसको भी और इधर भी उसी तरह से यहाँ से ले जाइए, और ये फिर यहाँ से एक पंखुड़ी निकाल करके यहाँ से नीचे की तरफ आप चाहे तो इसका डंठल ऐसे बना दीजिए। ये डंठल नीचे यहाँ से निकल करके गया हुआ है। अब ऊपर आइए तो
इसको इस तरह से कर दीजिए, इसमें उसके परागकण थोड़ी होते हैं अंदर, ये आप ऐसे ऐसे बना देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा सजावटी रूप देने के लिए यहाँ ऐसे कर दीजिए, अब इसको आपको रंगना है। ये आप लोग जो है केवल पेंसिल से बना करके दिखा दे रहे हो, ऐसा नहीं है, ये रंग करके दिखाना है। ये बन गया, ये बन गया, ये आपका कमल का फूल बन करके तैयार हो गया। इस तरह से आप सभी बच्चे ड्राइंग बना करके हमको दिखाएं, ताकि मालूम हो कि हाँ आप ड्राइंग बना रहे हैं। और ये इतना ध्यान देना होगा कि जितने पर ये निकला होगा उतने पर ये भी निकलेगा, यहाँ से निकला होगा उतने दूरी पर ये भी होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ से ये बराबर होंगे, इस तरह से ये सभी के सभी बराबर होंगे, तब देखने में ये आपका अच्छा लगेगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।